अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। आज की वीडियो का टाइटल आपने देख लिया है। आज की वीडियो में मैं आपको आईज़ के पार्ट्स बताने लगी हूँ, ताकि जब मैं नेक्स्ट आईज़ मेकअप की वीडियो स्टार्ट करूँ और वहाँ पे मैं कुछ इस बारे में इससे रिलेटेड बता रही हूँ, तो आपको इस चीज़ की क्लियरली समझ आ जाए कि मैं आईज़ के किस पार्ट के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। और वैसे भी अगर आप आईज़ मेकअप सीखना चाह रहे हैं या मेकअप सीखना चाह रहे हैं, तो आपको आई के पार्ट का पता होना चाहिए, ताकि उस हवाले से आपको पता हो कि कौन सी चीज़ किस एरिया पे अप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये मैं आँख का एरिया ड्रॉ कर रही हूँ, ये, और इस एरिया को मैं डिवाइड कर रही हूँ 3 पार्ट्स पे, ठीक है। 3 पार्ट्स पे डिवाइड कर रही हूँ, एक यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ, एक यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ, और 3rd लाइन यहाँ पे लगा रही हूँ मैं, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पे ये जो मैंने एरिया अलग से लिड का एरिया मैंने मार्क किया था, उसके अंदर मैंने इसको 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पे ये जो सबसे पहला पार्ट होगा हमारा, ये हमारा होगा इनर लिड, ठीक है। ये हमारा कौन सा हिस्सा होगा, इनर लिड का पार्ट है। यहाँ पे ये जो सेकंड है, ये हमारा होगा मिडल लिड, समझ आ गई। फर्स्ट हमारा क्या है, इनर लिड, सेकंड हमारा क्या है, मिडल लिड, और 3rd हमारा होगा आउटर लिड, या आपको आप इसको आउटर कॉर्नर बोल सकते हैं, आउटर कॉर्नर या आउटर लिड, समझ आ गई इस एरिया की आपको। ये फर्स्ट आपका इनर लिड है, सेकंड आपका मिडल लिड है, 3rd आपका आउटर लिड या आउटर कॉर्नर होगा आपका। उसके बाद ये जो नीचे वाली लाइन होगी, इसको हम बोलते हैं लैश लाइन, ठीक है। जहाँ पे आप काजल वगैरह, सॉरी लाइनर अप्लाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं लैश लाइन। इसके बाद आ जाते हैं इस एरिया पे, ये एरिया जो होता है हमारे पास, इसको हम इनर कॉर्नर बोलते हैं। इसको क्या हम बोलते हैं, इनर कॉर्नर, ये हमारा इनर कॉर्नर है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये मैंने 3 लाइन जो है वो ड्रॉ की थी। सबसे पहली जो लाइन हमारे पास होगी, वो होगी हमारी डीप क्रीज की, ठीक है, डीप क्रीज की होगी हमारे पास। ये फर्स्ट लाइन हमारी डीप क्रीज की है, यहाँ पे डार्क कलर अप्लाई होता है। ये हमारी जो सेकंड लाइन है, ये हमारी होती है क्रीज की, यहाँ पे डार्क से थोड़ा सा लाइट शेड अप्लाई होता है। उसके बाद 3rd हमारे पास आ जाती है लाइट क्रीज, इस एरिया को हम लाइट क्रीज बोलते हैं, इस एरिया को हम क्रीज बोलते हैं, और ये जो लास्ट वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं डीप क्रीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से लेके ये जो एरिया आ जाता है, ये वाला ऊपर वाला, ये हमारा होता है ब्रो बोन का एरिया, ठीक है। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं हाइलाइटर। ये जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, ये हमारा होता है ब्रो बोन का एरिया होता है हमारा, और यहाँ पे हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं, समझ आ गई। ऐसे मैंने गन तो बहुत मार दिया, लेकिन होप्स हो कि आपको समझ आ गई हो। दोबारा से समझा देती हूँ, ये हमारा है इनर कॉर्नर, ये हमारा इनर लिड, मिडल लिड, आउटर कॉर्नर या आउटर लिड है, ये हमारी डीप क्रीज है, ये हमारी क्रीज आ जाती है, और यहाँ पे लाइट क्रीज है, और ये हमारा ब्रो बोन का एरिया आ जाता है, ये हमारी लैश लाइन आ जाती है। अब देखें आँख के अंदर की तरफ, ये जहाँ पे आप लाइनर, वाइट पेंसिल या काजल अप्लाई करते हैं, वो हमारी होती है वाटर लाइन। ऊपर देखें ज़रा, ये हमारी होती है वाटर लाइन। अब वाटर लाइन के नीचे की तरफ ये जो एरिया होता है, ऊपर देखें, ये जो एरिया होता है, ये हमारा होता है लोअर लैश का एरिया। क्या होता है, लोअर लैश का एरिया इसको बोलते हैं। यहाँ पे भी आप नीचे की तरफ आँख पे मेकअप करते हैं, तो इसको लोअर लैश बोलते हैं। अंदर की तरफ जो है वो हमारा वाटर एरिया होता है, ये हमारा नीचे देखें लैश लाइन होती है। ये पार्ट्स जो हैं, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें, और इनको प्रॉपर जो है आपको तब समझ आएगी जब हम आईज मेकअप स्टार्ट करेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ताकि मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप